टॉपिक के बारे में जो कि है साबुन तथा साबुनीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब हम तेल और बसाओं की क्रिया क्षारों से कराते हैं तो जो हमें लवण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं हम साबुन। आप बोल सकते हैं जब हम तेल अथवा बसा की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो साबुन प्राप्त होता है तथा इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तेल या आपके बसाओं की क्रिया आपके क्षार जैसे कि आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH से कराते हैं तो हमें आपके सोडियम के लवण प्राप्त होते हैं, इन्हें हम साबुन कहते हैं तथा इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं कि जब हम तेल या बसाओं की क्रिया क्षारों से कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। या आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब हम तेल या बसाओं की क्रिया आपका क्षारों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें सोडियम के लवण प्राप्त होते हैं। सोडियम के लवण प्राप्त होते हैं, इन लवणों को साबुन कहते हैं और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है हमारा ग्लिसरॉल ट्राइपार्मिटेट, और जब ग्लिसरॉल ट्राइपार्मिटेट की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें सोडियम पार्मिटेट यानी कि साबुन प्राप्त होता है। ये इसकी रिएक्शन है और इसे आप समझ करके बड़े आराम से लिख सकते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, तो 3 C15 H31 C15 H31 COO और ये है N COON, इस तरह से आपने कर सकते हैं। तो सिंपल में जब हम तेल या बसाओं की क्रिया क्षारों से कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। ये था हमारा इंपॉर्टेंट।